हे गाइस, यू वाचिंग क्रिकेट स्पीक। मैं हूँ आयुष और ये वीडियो है कि आप अडोब प्रीमियर प्रो का यूज करते हुए किसी भी फाइल को डीनॉइस कैसे करेंगे। हाउ यू आर गोइंग टू डीनॉइस और रिमूव द बैकग्राउंड नॉइस यूजिंग अडोब प्रीमियर प्रो। एंड दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग स्टिकी ऐप एंड आई हैव मेड वीडियो रिगार्डिंग द सेम सम टाइम्स अगो। तो फॉर नाउ लेट मी क्लोज इट एंड गेट टू द फाइल वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अब उस फाइल तक आता हूँ जहाँ पर बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइस है। अभी डिटरमाइन कर लेते हैं कि आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू प्ले पबजी पीसी ऑन एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजिंग कंट्रोलर। एंड यू कैन सी दैट इट वाज वीडियो फाइल दैट वाज टीजिंग यू गाइस रिगार्डिंग द अपकमिंग कंटेंट वीडियो ऑन विच आई एम गोइंग टू वर्क। तो आप देख सकते हैं ये वो वीडियो फाइल है जहाँ पर मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में बात की है जो आगे आएगा और इस पर मैं आने वाले वीडियो में काम करूंगा। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो फाइल से मुझे नॉइस हटानी है। फॉर नाउ लेट मी डबल क्लिक ऑन दिस अडोब प्रीमियर प्रो। तो इस नए प्रोजेक्ट को मैं डी नॉइस नाम दे देता हूँ। फिलहाल के लिए फाइल को प्रकार इंपोर्ट करते हैं। ओके अब आपको या आप कहीं भी आपको इफेक्ट पर जाना है कि वो पैनल आपका यहाँ पर इस विंडो पर भी खुल सकता है, यहाँ पर भी खुल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर खुला हुआ है मेरा, यहाँ पर भी खुल सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पर है तो फिर मैं यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट पे जाऊंगा। गॉट टू गेट टू इफेक्ट पेन हियर एंड यू कैन ओपन दैट पेन एट एनी ऑफ द प्लेसेस हियर और हियर। तो लेट मी जस्ट गेट टू द ऑडियो इफेक्ट अंडर इफेक्ट। तो लेट मी जस्ट डबल क्लिक ऑन द सेम एंड हियर सीक्वेंस आई हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल व्हिच एवर आई वांट टू एडिट एंड नाउ लेट मी जस्ट ड्रैग दिस डी नॉइस टू द साउंड पार्ट। तो इस वीडियो क्लिप का इस सीक्वेंस का जो साउंड पार्ट है वहां पर मैं इस डी नॉइस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और अब आपको करना क्या है, बस ये इफेक्ट कंट्रोल दूसरे पेन पर खोल लेना है और उस पेन पर आपको डी नॉइस पर आना है एंड इट इज ओवर हियर शोइंग मी द ऑडियो इफेक्ट दैट आई हैव अप्लाइड रिसेंटली गिविंग मी द ऑप्शन टू एडिट द ऑडियो इफेक्ट दैट आई हैव जस्ट अप्लाइड। तो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है अप्लाई करने का, एडिट करने का और चेंजेस करने का जिस इफेक्ट को मैंने अभी अभी अप्लाई किया है ये डी नॉइस के नीचे। तो बस यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। यू गॉट टू क्लिक ऑन एडिट अंडर दिस डी नॉइस एंड जितने परसेंट आपको नॉइस हटानी है, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 95 तक जा सकते हैं, मैंने इवन 100 भी किया है। फिलहाल के लिए 98 कर देते हैं। लेट मी जस्ट क्लोज द सेम। फिर मैं आप क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारी फाइल कैसी है। I am thinking of making a video regarding how to play PUBG PC on Android smartphone using controller and okay. So it was a lot better than before. So ये पहले से तो better है, काफी अच्छी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले हमारे पास जो फाइल थी वो कैसी थी। I am thinking of making a video regarding how to play PUBG PC on Android smartphone using controller. ओके तो आप देख सकते हैं कितनी सारी नॉइस थी। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू प्ले पबजी पीसी ऑन एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजिंग कंट्रोलर। अब बस इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम। अब कंट्रोल प्लस एम से अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पेन है इतना एरिया है ये सिलेक्टेड होना चाहिए, मतलब ये ब्लू लाइन से आउटलाइंड होना चाहिए। तो इफ यू वांट एक्सपोर्ट द प्रोजेक्ट ऑन विच यू आर वर्किंग यूजिंग द कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की, देन यू गॉट टू हैव दिस पेन आउटलाइंड विद दिस ब्लू लाइन। इट शुड बी सिलेक्टेड एंड व्हेन इट इज सिलेक्टेड यू कैन जस्ट डू कंट्रोल प्लस एम एंड द एक्सपोर्ट पॉपअप विल अपियर। और अगर आपको इस प्रकार नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके पोर्ट पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर मीडिया पर क्लिक कर देंगे तो वही पेन आपके सामने आ जाएगा, बस आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। ओके तो फाइल हैव गॉट एक्सपोर्टेड। तो जिस फाइल पर हम काम कर रहे थे वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड नाउ लेट मी हैव टू शो यू वेयर योर प्रोजेक्ट हैव गॉट एक्सपोर्टेड। लेट मी हैव टू गो टू Adobe प्रीमियर प्रो एंड ओके इट शुड बी वन ऑफ देम। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू प्ले PUBG PC ऑन Android स्मार्टफोन यूजिंग कंट्रोलर। ओके तो सक्सेसफुली हमारी जो ऑडियो फाइल है वो
डी नॉइस हो चुकी है, यानी जितनी बैकग्राउंड नॉइस है सब हमने रिमूव कर दी है। अब आप इस फाइल को जहां भी शेयर करना चाहें, और ये उसी प्रकार से काम करता है जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली डॉल्बी ऑन का वीडियो दिया था। डॉल्बी ऑन आपको अलाउ करता है कि आप अपने स्मार्टफोन से जो बैकग्राउंड नॉइस वगैरह है और जो प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग इफेक्ट वगैरह होते हैं उन्हें अप्लाई कर सके। डॉल्बी ऑन अलाउज यू टू अप्लाई द प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग इफेक्ट वाया योर एंड्रॉइड स्मार्टफोन एंड आई हैव गिवन यू द वीडियो रिगार्डिंग द सेम रिसेंटली एंड अ लॉट ऑफ टाइम अगो आई हैव गिवन यू द वीडियो रिगार्डिंग एनवीडिया आरटीएक्स वॉइस। और बहुत टाइम पहले मैंने आपको एनवीडिया आरटीएक्स वॉइस का वीडियो दिया था, और एनवीडिया आरटीएक्स वॉइस पर आपको करना कुछ भी नहीं पड़ता है। उसका सेटअप करने के बाद आपकी ऑडियो लाइव जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फिल्टर होती जाती है, जितनी बैकग्राउंड नॉइस है सब कैंसिल होती जाती है। तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो सारी बैकग्राउंड नॉइस रिमूव्ड होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू हैव बीन वॉचिंग श्रेयस स्पीक। थैंक यू।